आज की साकार मुरली 30 दिसंबर 2020, मुरली को विचार सागर मंथन करेंगे। मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। सत्य का वरदान मिलता है इसलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की। अपने आप को आत्मा अनुभव करने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा है। मैं आत्मा कहाँ हूं? भ्रिकुटी के बीच में हूं। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। गीत, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वे दुनिया में कोई नहीं जानते, वे दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है, ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, कृष्ण नाम तो किसका है? शरीर का है ना। वे शरीरधारी है, वे शरीरधारी है। उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अब तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान दे रही है। किनकी आत्मा? श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। जो ज्ञान ले रही है, इसका मतलब उसके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कमी है, तभी तो उसे भरा जा रहा है। जब भर जाती है तब वो संपूर्ण पवित्र बनता है, फिर धीरे धीरे वे पतित होना शुरू हो जाता है। परंतु परमात्मा पतित नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? परमात्मा का शरीर थोड़ी है जो पतित होना, क्योंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, जिसके कारण उनके गुण, उनकी शक्तियां क्षय को प्राप्त नहीं होते, कम नहीं होते। ये वंडरफुल बात है, ये वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं।
आसन लगा कर बैठो, ऐसे बैठो, वैसे करो, ऐसे करो, अपने शरीर के साथ वो सख्ती करते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो, उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है, वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना, ब्रह्मा बाबा भी पूजा करते थे ना, सारी दुनिया इस समय पुजारी है, नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। जब नई दुनिया होती है तो एक ही धर्म होता है, पूज्य देवी देवता धर्म या आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां कोई और पूजा करने वाला होता ही नहीं है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है, गीता एपिसोड बराबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है, जिससे समझने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं, अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई है, उसमें टाइम तो लगता है ना, इसमें टाइम तो लगता है ना, भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, तुम लिख सकते हो बाप हमको राज योग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहते हैं कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा, कोई हंगामा तो नहीं होगा, निडर तो अभी हुए नहीं है, निडर तो अभी हुए नहीं है ना, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं, जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, तुम सब हो महावीर, तुम सब हो महावीर, दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है, दुनिया में सब नहीं जानते माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति है, तुम्हें याद है, याद में आया है, आगे भी बाप ने कहा था, क्या कहा था, मन मना भव। जीत पाने का तरीका सिर्फ एक है कि मेरी श्रीमत अपने मन को बैठकर मनाओ और बन जाओ, और बन जाओ। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं, भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं, अक्षर तो है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, क्या बनो, देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसा, हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनको विजय सफलता मिलती है। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं, सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं, तुम हो सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन को ना, पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, शूद्र थे और मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो, तुम्हारा महत्व बहुत है, इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं, बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। विश्व का मालिक क्योंकि उस समय और कोई राज्य होता ही नहीं, एक ही राज्य होता है तो विश्व के मालिक हो गए। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने, विश्व के मालिक कैसे बनेंगे, जब हम सारे विश्व का कल्याण करेंगे, कल्याण की ही सोचेंगे, तब तो विश्व वाले हमें कहेंगे कि ठीक है आप हमारे कल्याणकारी हो, आप राजा बनो। हम यदि सारे विश्व का कल्याण नहीं सोचेंगे, सारे विश्व की आत्माओं को मतलब भला करने का कार्य करेंगे नहीं, सोचते रहें करेंगे नहीं, तो भी तो कोई राजा थोड़ा बनाएगा। अब कोई हो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सोचे तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग, करे कुछ नहीं तो फिर ये थोड़ा कि हाँ तुम सोचते तो बहुत अच्छा हो, करो तब तो पता लगे, सबका कल्याण होगा तो सब करेंगे ना। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उनको माथा कैसे झुका सकेंगे, उनको माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वे माथा टेकते रहते हैं, वे माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो, चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वे भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो, ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, इनको आग लग रही है, भंभोर को आग लगनी है, भंभोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है, भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, वास्तव में असल में शिव बाबा की पूजा होती है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है, फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना, अब तुम महावीर बन रहे हो, मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी ही है, बाप कहते हैं महारथी माना, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राहक खाते हैं, बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है, है महारथी वो तो पता ही नहीं चलता कब माया उनको निगल गई, बाबा को छोड़कर मर गए। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है,
दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजा पिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है, ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है, सुनाना किसको है? भाई को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहे लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना, एकदम तो कोई नहीं बन जाएगा। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चे, तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े कि बाबा कहाँ बैठा है। बाबा की भ्रिकुटी में बैठा है। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न पड़ जाते हैं, विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो, आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी में के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा हैं। आत्मा ही सुनती है, ये ज्ञान आगे नहीं था, ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए। इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने, नाम बिगर तो कारोबार चलना चलना वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, सतयुग में भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि आप अपने को समझेंगे आत्मा और कर्म करेंगे आत्मा समझकर। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने, माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कार्डे और दिल यार्डे,
आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। सारी कारोबार क्या होती है? तुम आत्मा पवित्र है तो आपके सारे काम भी क्या होंगे? पवित्र होंगे। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वे सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें ही नहीं होती। सतयुग में ये बातें ही ना, चोरी करने की जरूरत है, ना झूठ करने की जरूरत है, ना ठगी करने की जरूरत है, ना लोभ ही नहीं है। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी करेंगे, ठगी करेंगे, धोखा करेंगे, बेईमानी करेंगे, वहां ये बातें होती नहीं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वे है ही निर्विकारी दुनिया। ये है विकारी दुनिया, सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य, योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की महिमा ही महिमा है, इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। क्योंकि यही योग की महिमा है, विशेषता है, गुण है कि आप इसी योग के द्वारा सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही आकर बतलाते, दूसरा कोई ये ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से भी चले जाते हैं, परंतु वे कोई राजयोग नहीं है, वे कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते, नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वे सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाप ने कल पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है, थोड़ा सा भी परेशानी आई बस बॉडी कॉन्शियस। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है? कौन कौन बताए, कौन बताए? बाबा से पूछें
क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते, बाप से तो ये नहीं पूछ सकते है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूं, पतित से पावन बनो, और पावन बनने के लिए पतित से पावन बनाते हैं ना बाबा, पतित से पावन होने का मैं आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं ना। मेरा काम है तुम्हें पतित बनाना, तुम्हें पतित बनने का रास्ता बताता हूं। आप पतित से पावन होने का आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने हैं ना, मेरा काम है तुम्हें बनाना, वो तो पावन तो तुमने बनना है ना, तुम अपना पुरुषार्थ करो पावन बनने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं ना, बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं, इसमें संशय की कोई बात ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना, बाप का मानना, संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं, मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है, विश्वास है, बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान देते हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, ये विश्वास होते हुए भी कितने बच्चे गिर पड़ते हैं। ये बाप जानते हैं तुमको पावन बनना है, तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है कि इनको पक्का निश्चय नहीं है, इनको पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार ही नहीं। जितने से तुम्हारा काम हो जाता है उससे फालतू बात क्यों की जाए, दरकार ही नहीं है। बाप ही संगम को, बाप की याद से विकार विनाश होंगे, फिर और सब बातें और बातों में क्यों जाते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूझता है, उसको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय बुद्धि में आया तो पढ़ाई छोड़, फिर कल्याण नहीं होगा, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है, संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, बहुत युक्ति से समझाना चाहिए। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान आया हुआ है,
स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाने के लिए आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी जो फेल हो जाएगा? अब उसको खुशी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। नर से नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना, वे फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। ये कितना आप पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, याद तो तभी होगी ना, जब करे ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है, आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, दिल शिकस्त होना मेरी किस्मत में नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, हार कर बैठ जाना, किसी भी संस्कार वह परिस्थिति के वशीभूत होना। अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा हो गया है तो क्या करें, मुझ जाना। किसी भी संस्कार वह परिस्थिति के वशीभूत होना, या तो कोई आदत ऐसी होती है जिसके कारण सोचते हैं क्या करें, मेरी तो आदत ऐसी है ऐसे ही हो जाता है, या परिस्थिति ऐसी है अब ऐसे करना पड़ेगा। व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं,
आराम पसंद बनने के लिए नहीं, वे साधन है उनसे सेवा करो। ये नहीं कि साधन मिल गए हैं अब हम और आराम से काम करें। ओम शांति। किसी बात में